टाइम है हम जगनेर में ग्वाल बाबा के मंदिर पे। ये अध्यक्ष जी हैं, ये बाल्यान जी, सौरभ, मैं। उसके अंदर ये जो गुफा है ना, यही बाबा की महत्वता है। जिस पर ताला लगा हुआ है इसको पूजा जाता है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आप भी आइए कभी, बहुत अच्छी जगह है ये मंदिर है। तो वहाँ वो ताला आ गया। ये मनोहर रावत जी अध्यक्ष जी, मैं खुद स्वयं ग्वाल बाबा मंदिर के ऊपर चढ़ के आए। कम से कम कितनी सीढ़ियाँ होंगी? कितनी सीढ़ियाँ होंगी? 200, 400, 500। दौड़ लगा के चढ़ के आए हम, सो पसीना पसीना हो रहे हैं। ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। ये इधर काम चल रहा है, ये बाबा जी हैं। ये शिवलिंग है, ये महत्ता बहुत, इनकी बहुत महत्ता है। भोले बाबा, आप भी कभी आइए। भोले बाबा का मंदिर है ये, ग्वाल बाबा का। यहाँ सब सुविधा के भगवान है, ये यहाँ सभी लोग हैं। मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देता हूँ। ये बाल्यान जी है, ये रोहतास है, ये दौड़ में भी पार्टिसिपेट किया, थक गया है। ये रावतार है, सौरभ घंटा बजा के कुछ मांग रहा है। तो आप भी मांगिए, भगवान का तो काम ही देने का है और हमारा भी काम मांगने का है। ये पोजीशन है, ये बड़ा वाला घंटा है जो ये दान किया है किसी ने। अब बाबा के यहाँ इसको रखा जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्या नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये बाहर का नज़ारा ये है, यहाँ से सीधा जगनेर पूरा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। हम वहाँ से चढ़ के आए हैं जो नीचे मंदिर पर झंडा फहरा रहा है। ये पहाड़ को काट के बनाया गया मंदिर है, आप देखिए। ये मंदिर पर काम चल रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। कमांडो लगे हुए हैं, कमांडो भी लगे हुए हैं भीतर। ध्यान भी किया जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है, झुकते जाइए, ईश्वर तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता जाएगा। सभी लोग हैं यहाँ पर। मौका मिला आज दिनेश अग्रवाल जी के पिताजी की 13वीं थी, तो हम जगनेर आए। हमारा प्रयास था कि जगनेर घूम के आएंगे, काम तो लगा ही रहता है। आप ये देखिए।